क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 ml ऑफ ब्लड ऑन ईच बीट. एक बार दिल धड़कता है 75 ml ब्लड बाहर निकाल देता है बॉडी में, ठीक है, पंप का काम है, 75 ml बाहर निकलता है. प्रेशर जो लग रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर कितना लगा रहा है, 0.1 meter ऑफ मर्करी कॉलम. अब ये क्या तरीका प्रेशर बताने का, ये कोई तरीका है 1.1 meter ऑफ मर्करी? हमें पता है या तो पास्कल में दो, 10 पास्कल, 15 पास्कल, पास्कल ऐसा ही सिस्टम है, या प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दो. ये तो कोई तरीका नहीं प्रेशर बताने का. फिजिक्स और केमिस्ट्री में, गैसेस में और लिक्विड में, प्रेशर बताने का यही तरीका है. अगर आप ब्लड प्रेशर भी मेजर करें तो एक मशीन लगाता है डॉक्टर, मर्करी वो पहले पंप करता है, मर्करी ऊपर जाती है फिर वो नीचे गिरती है, तो हाइट मेजर होती है उसकी. आपका ब्लड का प्रेशर क्या करता है, मर्करी बहुत हल्की है, उसको प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर से मर्करी ऊपर उठ जाती है, जहां वो रुकती है वही आपका प्रेशर कैलकुलेशन हो जाता है. ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा मर्करी ज़्यादा उठ जाएगी, और ज़्यादा होगा मर्करी और हाइट पे रह जाएगी, और अगर प्रेशर कम होगा मर्करी नीचे गिरेगी. तो उसके अगेंस्ट मेजर किया जाता है, ठीक है. तो वो हाइट से करते क्या हैं, हम फिजिक्स में एक चैप्टर करेंगे प्रेशर, उसमें सिखाऊंगा कि अगर आपको प्रेशर, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है लिक्विड या गैसेस में, वो फॉर्मूला होता है स्पेशली लिक्विड में, जब पाइप में लिक्विड है, h×density×g, ये तरीका होता है प्रेशर को मेजर करने का. हम क्या करते हैं, हम बस वो हाइट मेजर कर लेते हैं मरकरी की. बस हमने अगर हाइट मेजर कर ली उस ट्यूब में कितनी हाइट है, उसको डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अपने आप एसआई में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आपको अगर हाइट गिवन है मरकरी की, तो आप एच और जी से मल्टीप्लाई करके प्रेशर निकाल सकते हैं. ये डेरिवेशन हम प्रेशर चैप्टर में करेंगे. ऐसा क्यों अभी नहीं कर, अभी याद रखो, इसको नोटबुक में नोट कर लो. प्रेशर लिक्विड में P=, या गैसेज में P=hρg का फॉर्मूला फॉलो करेगा. अब जैसे मैंने करके भी दिखाया, अगर मान लो गिवन किसी क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रेशर 0.1 मीटर ऑफ मर्करी कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, हाइट क्या यूज करेंगे, 0.1, डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, मर्करी की, इनटू जी, प्रेशर आ जाएगा एसआई सिस्टम में. अगर मान लो नहीं गिवन, आपको ऐसे गिवन है प्रेशर 0.1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो कोई बात नहीं, 0.1 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी कर देंगे. तो कोई और लिक्विड गिवन होगा, ऑयल, ऑयल कॉलम, तो एच इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी. तो उस तरीके से प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं. ऐसा पता है क्यों है, मैंने बीपी की मशीन बनाई, वो मरकरी सबसे हल्की है, वो ऊपर नीचे जल्दी उठती है. सोचो मैंने तेल यूज कर लिया घर में, कुकिंग ऑयल, इतना भारी है मेरा बीपी उठ रहा है, वो ऑयल ऊपर उठ ही नहीं रहा, तो कैसे बीपी मेजर करोगे, वो भारी बहुत है भाई. पानी यूज कर लिया, पानी भी भारी है, मरकरी हल्की है. तो ऐसे मरकरी के साथ बैरोमीटर्स बनते हैं, पानी के साथ नहीं बनते हैं, नहीं तो पानी में क्या प्रॉब्लम है, पानी डाल दो, समझ में आ रहा है. तो सोचो बीपी उतना ही है, तीन किस्म के लिक्विड यूज कर रहे हैं, एक चला गया H1 हाइट पे, एक जाएगा H2 पे, एक जाएगा H3 पे, फिर प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो यार एक ही होगा ना बंदे का. तो H1, H2, H3 से कैसे मेजर करेंगे, H1 into density of liquid rho1 into g, सेकंड केस में H2 into density of liquid into rho2 into g, ऐसी H3 into rho3 into g. अब आप जो मर्जी मशीन यूज करो, जो मर्जी लिक्विड यूज करो, हमें प्रेशर का तरीका समझ में आ गया, इसलिए ऐसे यूज करते हैं. अब ये तो पता नहीं ना कोई कौन सा लिक्विड देगा, तो जैसा मर्जी यूज करो, हमने प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया. समझ में आ रहा है कैसे? तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में आ गया. एक मिनट में, 60 सेकंड में हार्ट 80 बार बीट करता है. पावर ऑफ द हार्ट निकालनी है, और डेंसिटी की बने मरकरी की. पावर होती क्या है, जितना वर्क डन किया अपॉन टाइम. एक मिनट की बात कर रहा है वो, टाइम तो 60 सेकंड पता है, वर्क डन. अब दूसरा फॉर्मूला लिखो गैसेस में और लिक्विड में. अब ये थोड़ी ना हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट चल के दिखाएगा, व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होगा. देखो ये लिक्विड और गैसेस के लिए वैलिड नहीं होता. लिक्विड और गैसेस में प्रेशर लगता है, किसी भी चीज में प्रेशर लगता है जिससे वर्क डन होता है. जैसे गैस है, पिस्टन है, पिस्टन ऊपर उड़ जाता है, अगर गैस एक्सपैंड होती है पिस्टन एक्सपेंशन हो जाती है. एक्सपेंशन में क्या हुआ, वर्क डन किया गैस ने, तो कितना किया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन होता है. तो लिखो वर्क डन का फॉर्मूला, एक और लिखो वर्क डन का फॉर्मूला लिक्विड और गैसेज में, सॉलिड में नहीं चलता भाई, लिक्विड और गैसेज में, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम लिख लो, एक ही बात है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन होता है, राइट. तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो हार्ट
कि जो पावर है वो क्या होगी, वो होगी वर्क डन बाय टाइम। हार्ट ने वर्क डन कितना करना है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। हार्ट ने जो वर्क डन करना है वो क्या करना है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर कितना है, 0.1 इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी। मरकरी की डेंसिटी पता है, जी पता है, तो क्या जाएगा आपका, प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी एक बीट के लिए, एक बीट के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, वर्क डन आ गया एक बीट का। 60 सेकंड में कितनी बार बीट हो रहा है, 80। इसको 80 से मल्टीप्लाई करो तो 80 बीट्स का वर्क डन आ गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ पावर क्या आ गई, वर्क डन जो 80 बीट्स के अपॉन 60 आंसर, इतने वॉट्स हर्ट की पावर है। अगेन एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आप ये ना सोचना कि सारे हर तीसरे क्वेश्चन को बोलते ना एक्सेप्शनल है, नहीं सारे ऐसे नहीं है, 4-5 मिलेंगे आपको पूरे चैप्टर में जो अलग से दिखेंगे, बाकी नॉर्मल है। उनमें से ये भी एक है, एक मैंने करवा दिया वो वाला पिछला वाला, एक ही है, इक्का दुक्का और पड़े हैं अभी खत्म नहीं हुए। उनमें से एक इजी क्वेश्चन भी है डेंसिटी का, मैं चाहता हूँ आप एक बार ट्राई करो, हो सकता है आप कर जाओ इसे। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब आपके असाइनमेंट के अंदर भी ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक पंप है, पानी ऊपर लेके जाना है, एक पंप है, ये पंप लगा हुआ है, इस पंप को ग्राउंड फ्लोर से पानी को ऊपर टैंक में फिल करना है। तो टैंक में जो फिल करना है वो हाइट क्या है इसकी, 40 मीटर है, हाइट 40 मीटर है। वॉल्यूम टैंक का कितना है, 30 मीटर क्यूब है। तो पानी का वॉल्यूम ऊपर कितना आने वाला है, 30 मीटर क्यूब। पंप कितनी देर ऑन रहेगा, 15 मिनट, 15 मिनट में टैंक भर देगा 40 मीटर। बताओ कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा पंप, ये बताओ। और एफिशिएंसी पंप की 30% है, 30% है। पंप कैसे, पंप क्या करता है, पानी को ऊपर चढ़ाता है। तो पंप क्या करेगा, आउटपुट में वर्क डन, आउटपुट में एनर्जी थोड़ा दे रहा है, मैंने एनर्जी करनी पंप की, आउटपुट में काम करेगा, भाई तू काम कर, पानी को ऊपर चढ़ा, तो वर्क डन करेगा। इनपुट क्या लेगा हमसे, इनपुट क्या लेगा, एनर्जी, किस फॉर्म में, बिजली, प्लग बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको यही तो निकालनी है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी या पावर एक ही बात है, टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो पावर आ जाएगी। तो इनपुट में क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल पावर, और आउटपुट में क्या करेगा, वर्क डन करेगा, पानी को ऊपर चढ़ाएगा। ये समझ में आता है। तो जब भी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो तो प्लीज सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट कर लो, स्टार्ट यहीं से करना है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट। देखो एक चीज याद, अगर ये पावर यूज करो तो ये भी पावर यूज करो, अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी, वर्क डन है एनर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन एनर्जी में कोई फर्क नहीं। पर ये नहीं हो सकता, ऊपर तो लिख दिया पावर, नीचे लिख दिया एनर्जी, यूनिट्स मैच नहीं करेंगे ना, पावर के बदले में पावर ही आएगी नीचे। मैंने पावर वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे इनपुट पावर निकालनी है, तो मैंने न्यूमिनेटर में भी क्या यूज कर लिया, आउटपुट पावर, ठीक हो गया था। तो क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर निकालना है और मेरे को एफिशिएंसी 30 गिवन है, तो अगर मैं आपको आउटपुट पावर बता दूं आंसर आ जाएगा। आउटपुट में पंप करता क्या है बताओ, पानी ऊपर चढ़ाता है और तो कुछ नहीं करता। पानी ऊपर चढ़ाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है, पानी का मास इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है एमजीएच। तो पानी वर्क डन क्या करेगा, एमजीएच। प्रॉब्लम यह है कि आपको पानी का वॉल्यूम तो गिवन है 30 मीटर क्यूब, आपको मास नहीं गिवन। कोई बात नहीं, पानी के केस में स्टैंडर्ड है, गिवन नहीं होगा, डेंसिटी लिक्विड की नोट करनी है, नोट कर लो। बाय डिफॉल्ट वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में 1000 होती है, सीजीएस में 1 होती है, याद रखना है। अब पानी का वॉल्यूम सीजीएस ग्राम पर मीटर की 1 होती है। तो वाटर का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, मास आ गया। तो ये बताओ एफिशिएंसी 30% गिवन है, आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर है आउटपुट एनर्जी अपॉन टाइम, आउटपुट में वर्क डन क्या हो रहा है, एमजीएच अपॉन टाइम पावर आ गया आउटपुट, और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो यहां से एम पता है, जी पता है, एच पता है, टी पता है, क्या निकालनी है, इनपुट पावर। इनपुट पावर कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर वॉट्स में आएगा। ये आपने क्वेश्चन को एक बार घर जाके क्या करना है, ट्राई करना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?